नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी स्टेट ऑफिस जम्मू के बाहर आज BDC के कुछ मेंबर्स हैं यहां पर, जो आज यहां पर बैठे हैं। ये यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनसे बात करने ये यहां पर आए थे, लेकिन इनकी किसी ने बात नहीं सुनी और आज यहां पर बैठ के ये जो है यहां पर एक तरह से धरना यहां पर कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या मुद्दा चल रहा है। सर, क्या आपकी इशूज़ जो हैं वो चल रहे हैं? हमारे इशूज़ ये हैं मैम कि हमने जो हम VDC मेंबर्स हैं, हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आने का गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था। चूँकि 96 से हम सिक्योरिटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, पुलिस फोर्स के साथ भी काम करते हैं, गांव में इतना काम हम कर रहे हैं VDC का, तो गवर्नमेंट ने एक विवाद हमारे बीच में खड़ा कर दिया है। 8 मेंबरों का एक ग्रुप होता है, उसमें 3 को SPO बना दिया है जिनके अकाउंट में 18,000 सैलरी डाली जाती है, और पीछे जो 5 मेंबर्स हैं वो बिना सैलरी के हैं और गवर्नमेंट उनका कोई भी जो है उनको कंसिडर नहीं कर रही है। 1996 से हमें हथियार पकड़वाया गया और हमें सिक्योरिटी करवाई गई, हमसे काम करवाए गए, अपनी प्रॉपर्टियां जो है उनका पहरा करवाया गया, और अब तनख्वाह का मसला आता है तो गवर्नमेंट कहती है हम इतने लोगों को, 36,000 परिवारों को हम कहां से तनख्वाह देंगे। तो कितनी देर से आपकी सैलरी रोकी गई है? लगभग 3 साल से हमें सैलरी नहीं, जब से 12,000 और 18,000 सैलरी हुई है, तकरीबन 2.5-3 साल का कार्यकाल हो चुका है, तब से हमें बिल्कुल सैलरी नहीं दी जा रही है। टोटल हम बिना सैलरी के हैं और हम ऐसे पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं जहां पर न रोड है, न सड़क है, न ही कोई वहां कोई रोजगार का साधन है, कोई कुछ भी नहीं है। हम वहां पर कैसे करें? अब हम सिक्योरिटी करें या हम कहीं जाकर दिहाड़ी लगाएं अपने बाल बच्चों को पालने के लिए? किस किस से बात की अभी तक आपने इस मुद्दे के लिए? इस मुद्दे पे हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी गए थे, मुर्मू जी के पास, उन्होंने मसले को कंसिडर भी किया था, लेकिन बात यह हुई कि उन्होंने ये कहा था कि अगर भाजपा अगर माननीय अशोक कौल जी हैं, रैना जी अगर हमें लिख कर देंगे, वो अगर आते हैं तो हम DGIG साहब के साथ मिलके आपके इस मैटर का कोई सलूशन निकालेंगे, तो इन्होंने माना। तो लेकिन बाद में हमने देखा कि नहीं, गवर्नर साहब जो हैं ट्रांसफ़र हो गए, उसके बाद हम फिर इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि हम आपका काम करेंगे। फिर हमने 23 तारीख को इनको एक नोटिस दिया था, उस नोटिस का जवाब जो हमने रिप्लाई इन्होंने देना था 20 को, तो हम कल 20 को आए थे रिप्लाई लेने, तो ना इन्होंने हमें रिप्लाई दिया और ना ही आज हमें मिलने दिया। इसी गुस्से से हमने फिर सोचा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और हम इसीलिए हम थोड़े से ही आदमी आए थे, हम प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे, लेकिन जब इन्होंने हमें ठुकरा दिया, खुद बुलाया, खुद कहा कि हम मिलेंगे और खुद अभी बोलते हैं जी नहीं हम नहीं मिलेंगे, तो हम गुस्से में आ गए और हम फिर थोड़े से ही आदमी थे तो हमने प्रोटेस्ट किया ताकि वो मिलें, हमें कुछ एविडेंस दें, कोई हमें बताएं कि हम क्या करें, कहां जाएं। इसी बीच कहां कहां से आज यहां पर ये मेंबर्स जो हैं कहां कहां से आए हैं आज यहां पर बात करने के लिए? मैडम हमारी ऑल जम्मू कश्मीर VDC मेंबर्स यूनियन है। हम यहां डोडा, रामबन, किश्तवाड़, उधमपुर, सांबा, कठुआ, या अपना आरसपुरा है, रियासी, पुंछ, कटरा, हम तकरीबन जम्मू डिवीज़न के सारे जितने भी 14-15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम उसके मतलब एक किस्म के स्पेसिफाइड वो हैं, लोग हैं जो हम, बाकी लोगों को भी हमने रोका है कि आप अभी प्रोटेस्ट नहीं कीजिए, हम सरकार के साथ मिलेंगे, हम इनको स्टेट लेवल पे अपने इशू को बताएंगे कि हमारा इशू हल करो, लेकिन ये लोग जो है बिल्कुल इस मैटर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये इस मैटर को कंसिडर नहीं करेंगे, इसी DDC इलेक्शन में हमने ये फैसला ले लिया है कि हमारी शुरुआत भी हो चुकी है, इनके साथ इनकी सरकारों को बदल देंगे हम। कोई भी सरकार जो इस सिक्योरिटी का जो काम नहीं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मसले का हल नहीं करेगी, उसको हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सुरक्षा पहले है, विकास बाद में है। ये लोग सुरक्षा और विकास का जो है, कोई भी हमारे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियां जो हैं, उन्होंने हमें ये सुरक्षा और विकास के लॉलीपॉप खिला खिला के हमें बीमार कर दिया है, और न ही सुरक्षा है और न ही विकास है। चलो विकास जो है वो तो अमीर लोगों का होता है, गरीब लोगों की तो रोटी रोजी होती है, वो भी मजदूरी होती है, लेकिन हम इनको कहते हैं कि सुरक्षा को आप रहने दीजिए, लेकिन कम से कम नहीं, विकास को आप रहने दीजिए लेकिन कम से कम सुरक्षा पे तो ध्यान दीजिए। अब इस वक्त पहाड़ी इलाकों में आप देख रहे हैं 36,000 लोगों ने हथियार पकड़ा हुआ है, जो मिलिटेंटों के साथ लड़ते हैं, जो अपने जानो माल की हिफाजत करते हैं, गांव की हिफाजत करते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियों की हिफाजत करते हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंगें जो मिलिटेंट जला रहे थे, पुलों को आग लगा रहे थे, जंगलों में बड़े बड़े इनके जो डिपूज जलाए जा रहे थे, वो इतना जो सिक्योरिटी है वो VDC मेंबर्स ने की है, और इस वक्त सरकार बोलती है नहीं जी VDC मेंबर्स जो हैं ये कुछ नहीं है, SPOs इनको प्यारे हैं और VDC मेंबर्स जो हैं वो इनके लिए मूली गाजर के भाव कीमत पे भी वो इनको नहीं देख रहे हैं, तो इसीलिए हम सरकारों को बताने के लिए आज ये बैठे हैं यहाँ पर। तो आपने सुना यहाँ पे VDC के मेंबर्स का क्या इशू चल रहा है, इनकी पेंशन जो इनकी पे जो इनको दी जाती है वो इनकी रोकी गई है पिछले 3 साल से। आपको बता दूं कि 1996 में ये कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर डिफेंस फोर्सेस जो है नहीं जा सकती, वहाँ पर ये कुछ कमेटी बनाई गई थी जहाँ पर हर कमेटी में 8 मेंबर्स को जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए इनको रखा गया था, लेकिन पिछले 3 साल से इनकी तनख्वाह जो है वो रोकी गई है। आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे
आगे देखना ये होगा कि सरकार जो है इनके मसले किस तरह से हल करती है, क्योंकि इनका कहना है कि आने वाली DDC इलेक्शंस जो है ये बायकॉट कर देंगे अगर इनका मुद्दा जो है वो नहीं सुना गया। इसी तरह के अपडेट्स लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के देखते रहिए NH1 न्यूज़।